नमस्ते किसान भाइयों, इस वीडियो में बात करेंगे सिंजेंडा कंपनी का एम्प्लिको कीटनाशक के बारे में। एम्प्लिको कीटनाशक में कंपोजिशन क्या रहता है, इसके अलावा इसका उपयोग करने के बाद फसलों का कौन कौन सा कीटों का आप नियंत्रित कर सकते हैं, उसका डोसेस कितना फसलों में छिड़काव करने, पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे कब करना है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करें। इसके अलावा इसका रिजल्ट कब मिलता है, उसका दूसरा कोई कीटनाशक एक साथ उपयोग कर सकते क्या नहीं कर सकते, कौन कौन सा सब्जियों का खेती बारी में उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है उपयोग करने के बाद, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल सब्सक्राइब करने क्या होगा, जैसे मेरा चैनल का कोई भी आने वाला वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किसान भाइयों, सिंजेंटा का जो एम्प्लिको कीटनाशक है इसमें कंपोजिशन रहता है क्लोरेंट्रा नलिप्लोर प्लस रहता है लैम्डा साइक्लोथ्रिन। इसमें डबल टोनिक है, इससे इतना सारा कीटों का आप नियंत्रित कर सकते हैं इसका उपयोग करने के बाद। क्या होता है, क्लोरेंट्रा नलिप्लोर जो कंपोजिशन वाला दवाई होता है, क्लोरेंट्रा नलिप्लोर कौन कौन सा कीटों को नियंत्रित करता है इसके बारे में अभी बात करें। जैसे व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, इसके अलावा जैसे माइट जो इंसेक्ट आता है, जेसिड, एपिड, उसका क्लोरेंट्रा नलिप्लोर जो दवाई होता है इस कंपोजिशन उसका आप नियंत्रित करके उपयोग करके कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे लैम्डा साइक्लोथ्रिन, इसे डबल टोनिक है, तो लैम्डा साइक्लोथ्रिन जो दवाई होता है, लैम्डा साइक्लोथ्रिन दवाई कौन कौन सा कीटों को नियंत्रित करता है इसके बारे में बात करेंगे। जैसे फलचेतो, तनाचेतो, फट बुरार, स्टेम बुरार, इसके अलावा जैसे लिप माइनर, लिप फोल्डर, इसके अलावा जैसे पट बुरार जो होता है कीटों आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। सुंडी, तेला, माहू, इसके अलावा जैसे आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं उसका उपयोग करने के बाद। जैसे आप ये बात करेंगे सिंजेंटा कंपनी का एम्प्लिको कीटनाशक उपयोग करने के बाद कौन कौन सा सब्जियों का खेती बाड़ी में अच्छा रिजल्ट मिलता है, अभी इसके बारे में बात करें। जैसे टमाटर का खेती बाड़ी में, मिर्च का खेती बाड़ी में, बैगन का खेती बाड़ी में, लौकी कद्दू का खेती बाड़ी में, फूलगोभी का खेती बाड़ी में, केरला कीड़ा का खेती बाड़ी में, इसके अलावा जैसे पामकिन जो कद्दू का खेती बाड़ी में आप आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। बीन का खेती बाड़ी में भी आप उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। एम्प्लिको जो कीटनाशक आप कीटों को क्या कीटों आने के बाद उपयोग करना है, से पहला उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में बात करें। कीटों का जो फसलों में कीटों आता है, कीटों आने से पहले से ही आप उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। कीट आने के बाद भी आप उपयोग कर सकते हैं, आपका सब्जियों का खेती बाड़ी में कोई भी समस्या नहीं होगा, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है सब्जियों का कीटों को नियंत्रित करने के लिए। सिंजेंटा कंपनी का जो बेस्ट क्वालिटी कीटनाशक है एम्प्लिको कीटनाशक। किसान भाइयों, आई बात करेंगे सिंजेंटा का एम्प्लिको जो कीटनाशक है उसका डोसेस कितना फसलों में छिड़काव करना है इसके बारे में आई बात करेंगे। इसका डोसेस लगभग आप 100 ml 100 लीटर पानियों में घुलकर स्प्रे करने बेहतरीन काम करता है कीटों को नियंत्रित करने के लिए। इसका पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे भी कर सकते, दूसरा स्प्रे लगभग 12 डेज के बाद आप क्या करना, दूसरा स्प्रे भी सब्जियों का खेती बाड़ी में, फलों का खेती बाड़ी में कर सकते, कोई भी समस्या नहीं होगा। इसके अलावा जैसे उसका रिजल्ट लगभग 7 डेज के अंदर उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। उसके साथ दूसरा कोई भी कीटनाशक मिक्स करके उपयोग करने का जरूरत नहीं है, कि इसलिए जो इसमें डबल टोनिक ऑलरेडी है, इसलिए आप दूसरा कोई भी कीटनाशक एक साथ मिक्स करके उपयोग करने का जरूरत नहीं है। एम्प्लिको जो कीटनाशक होता है उसका इसको जो पावरफुल कीटनाशक होता है, इसका लैम्डा साइक्लोथ्रिन भी है, क्लोरेंट्रा नलिप्लोर भी, जो कंपोजिशन वाला दवाई भी है। आप कोई भी कंपनी का क्लोरेंट्रा नलिप्लोर प्लस जो लैम्डा साइक्लोथ्रिन उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। लेकिन सिंजेंटा कंपनी का जो है वो बेस्ट क्वालिटी रहता है, इसलिए आप सिंजेंटा का उपयोग कर सकते हैं कीटों को नियंत्रित करने के लिए। और इसके अलावा जैसे इसका कीटों को नियंत्रित करने के बाद आपको रिजल्ट भी बेहतरीन मिलता है, इसलिए आप ये जो कीटनाशक है आप उपयोग करना है। किसान भाइयों, इस वीडियो में बात की था सिंजेंटा कंपनी का एम्प्लिको कीटनाशक के बारे में, उसका डोसेज कितना फसलों में छिड़काव करने, इसके अलावा कौन कौन सा कीटों का आप नियंत्रित कर सकते हैं, कौन कौन सा सब्जियों का खेती बारे में आप उपयोग कर सकते हैं, इसके अलावा उसका रिजल्ट कब मिलता है, लगभग A to Z बात किया था। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं एम्प्लिको कीटनाशक के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।